दोस्तों, अगर हम एक बार फिर से हेमा मालिनी यानी बसंती को फिर से सिनेमाघरों में देख पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। वहीं पर धर्मेंद्र का तड़का लग जाए और वहीं अमिताभ बच्चन बिस्वांग हो जाए तो कितना ज्यादा मजा आ जाएगा। लेकिन ये तो होने से तो रहा नहीं, लेकिन वहीं पर इसको एक बार सलमान खान एंड शाहरुख खान को लेकर के शोले मूवी बनाने का परफॉर्मेंस जरूर सामने आए। अगर सलमान खान एंड शाहरुख खान भी शोले मूवी को बनाते हैं, हम काफी ज्यादा उससे यूजफुल रहेंगे, क्योंकि देखो मूवियां होती हैं कि उस ब्रांड पर भी अच्छे काम कर जाती हैं। अगर वहीं पर अगर हम बात करो तो धर्मेंद्र शायद काम नहीं कर पाएंगे मूवी में, लेकिन अमिताभ बच्चन जरूर कर सकते हैं मूवी में काम। वहीं पर हेमा मालिनी भी कर सकते हैं, लेकिन शायद हेमा मालिनी को करने से तो रहा, लेकिन शोले जैसी मूवी को रीलोड करने की जरूरत है मेकर्स को। हालांकि कपिल शर्मा में एक डायरेक्टर ने इस बात को लेकर के मुद्दा भी उठाया था कि यानी शोले जैसी मूवी को हम दोबारा बनाना चाहते हैं और बनाएंगे भी, तो वहां पर यानी कि कुछ अलग बात करके वहां पर रोक भी दिया गया था उस डायरेक्टर को, और शायद कुछ मनी प्रॉब्लम्स होने की वजह से मूवी को स्टॉप किया गया था। क्योंकि अगर इस मूवी को छोटे बजट में बनाई जाती है 50 से 60 करोड़ में, तो शायद उतना ज्यादा एंगेजिंग नहीं होगा, क्योंकि शोले जैसी मूवी जो है यानी कि बहुत ही अपनी छाप छोड़ी थी बॉलीवुड में, और जो नाम कमाया था वो तो काबिले तारीफ ही था, यानी कि उसको भूल पाना इतना आसान नहीं होगा। बहुत ही बड़ा एक कैम्बो बना के रेडी करता है, इसलिए यानी शोले जैसी मूवी बहुत ही अच्छा एंगेजिंग रूप दिया था, इसलिए शोले जैसी मूवी को हम कभी नहीं भूल सकते। और ये चीज जरूर कहेंगे सलमान खान एंड शाहरुख खान के ही जरिए सामने आनी चाहिए, लेकिन आनी चाहिए। शोले जैसी मूवी अगर सामने आई तो भाई क्या धमाका, क्या आग लगेगी बॉलीवुड में, ये चीज तो समझ गया। अगर वहीं पर थोड़े अच्छे बजट में बना दी जाए मूवी तो भाई बहुत ही बड़ा धमाका होते हुए नजर आएगी। फिलहाल आप लोग शोले जैसी मूवी देखना चाहेंगे कि नहीं सिनेमाघरों में, हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि शोले जैसी मूवी का हम जैसे लोगों को जरूर इंतजार रहता है। क्या आप लोगों को रहता है, हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।